अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बैरियटॉन कराची में हम मौजूद हैं और आपको बैरियटॉन कराची को दिखा रहे हैं। तो बैरियटॉन कराची की जो इमारतें हैं, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो फ्लैट्स वगैरह डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे रोड हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, ना तो बिजली के पोल हैं, ना कोई नाला नज़र आता है, ना कोई गटर नज़र आता है, ना कोई टेलीफोन की लाइन नज़र आती है। सब चीज़ें अंडरग्राउंड हैं, आप देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत समा है, इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, रहने की जगह है, साफ सुथरा माहौल है। यहाँ पे कोई लोड शेडिंग नहीं, कोई पानी की तकलीफ नहीं, और आप इसको देख सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा महंगा है, मेंटेनेंस के पैसे ज़्यादा हैं, चीज़ें थोड़ा सा जो है वो महंगी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि चीज़ें महंगी होंगी, पैसे आएंगे तो तभी अच्छे काम हो सकेंगे। आप ये मेरी जो है वो राइट साइड पर आप बिल्डिंग देख सकते हैं, सारी लाइन से आगे मोटरवे की तरफ तमाम इस तरह की बिल्डिंगें बन रही है। और यहाँ से नाजरी नगर में आधा पौना घंटा भी अंदर चलूँ ना तो फिर भी जो है वो बैरियटॉन ख़त्म नहीं होगा। बैरियटॉन बहुत लंबी जगह है, माशाल्लाह बहुत बड़ा बनाया गया है। और यहाँ पर अगर आप रियाज करते हैं 140 गज़ का प्लॉट, 125 गज़ का, 150 गज़ का, 240 गज़ का, तो पैसे कराची से मुनासिब ही हैं। बस ये है कि थोड़ा सा कराची से दूर पड़ता है, जिसकी वजह से लोग जो है वो समझते हैं कि हमें दूर पड़ता है, लेकिन अगर आप यहाँ रह लेंगे तो आपको फिर कराची की दूसरे इलाके पसंद बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर पे अगर रात में आप आए तो रात को लाइटें जब जलती हैं तो फिर तो और मजीद खूबसूरती आ जाती है। तो ये मैंने सोचा कि आज अपने नाजरीन को तमाम बैरियटॉन की जितनी कंस्ट्रक्शन है, फ्लैट्स वगैरह, ऑफिस वगैरह, आपको दिखा दूँ। अस्सलाम वालेकुम।